वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बेबी बूटीज तैयार करने वाले हैं। 11 नंबर की नीडल ले रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेबी बूटीज के लिए 50 फंदे डाल लिए हैं। आपको इन्हें थोड़ा लूज़ डालना है, तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। हमें पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है और बाकी हम इसकी उल्टी बुनाई करेंगे। ये पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे हम जो भी वीडियोस डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये पूरी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई मैंने बुन ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। हमें 5 सिलाइयाँ ऐसे ही उल्टी ही बुननी है। पहला धागा हम स्लिप कर लेंगे। हमें फिर ये पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है। ये मैं बहुत ही इजी मेथड शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके साथ। ये इन बूटीज़ को बनाना बहुत ही आसान है। ये पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे हम ऐसे ही। पूरी सिलाई बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 सिलाई ऐसे ही डाल ली हैं उल्टी बुन के। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीधी साइड है, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 सिलाई हमने डाल ली हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, ये भी हमने 5 डाल ली इस तरफ से। अब हम इसकी फ्रंट साइड आ गए हैं। अब हमें इसका बॉर्डर निकालना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसे निकालना है इसका बॉर्डर। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये हमें पहला फंदा स्लिप इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी शेप सही बनती है, नहीं तो एक फंदा बढ़ जाएगा। एक फंदा हमने उतार लिया है। अब देखिए अगले फंदे के लिए हम धागा आगे लेके आएंगे और ये उल्टा बुनेंगे। उल्टा, ये हमने इसको उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे, ये हमने इसको सीधा बुनना है। फंदे के पीछे से लेंगे और ये अब धागा आगे लेके आएंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। हमें ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। धागा आगे करके उल्टी बुनाई करेंगे और धागा पीछे करके हम सीधी बुनाई करेंगे। ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये धागा आगे करके उल्टी सिलाई निकाल ली हमने, उल्टा फंदा कर लिया और ये धागा पीछे करके ये सीधा फंदा बुन लिया। अब ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। जो ये हम इसके बैक साइड में आ गए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कैसे करना है देखिए। एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये धागा आगे करेंगे, धागा आगे करके हमको उल्टा बुनना है। ये उल्टा फंदा जैसे हमने पिछली सिलाई में किया था, लेकिन सीधा फंदा हम कैसे बुनेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने धागा पीछे किया, ये फंदा हम बुन रहे थे उल्टा, लेकिन अब हमें फंदे के नीचे से लेना है। ये फंदे के नीचे हल्का सा स्पेस होता है, हल्का सा, देखिए इधर इधर से हमको ये सिलाई निकालनी है। सीधा फंदा हमको ऐसे ही बुनना है। अब धागा आगे करके हम उल्टा फंदा बुनेंगे।
फिर से धागा पीछे करेंगे अब और ये फंदा सीधा बुनेंगे। ये फंदे के नीचे से हमको लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा फंदा पीछे करके हम सीधा फंदा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हमको ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे फंदे के नीचे से। ये फिर हम धागे को आगे करके इसको उल्टा बुनेंगे। ये फंदा निकाल लिया है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम ये इसकी बैक साइड थे, अब हम इसकी फ्रंट साइड आ गए हैं। हमें ऐसे ही 8 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमें ऐसे ही 8 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। सीधे फंदे में हमें नीचे से लेना है। ऐसे करके हमने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है और वो बैक साइड। देखिए गाइज, अब हमें क्या करना है। अब हमें सिंपली 2 रो को उल्टा बुनना है। एक फंदा स्लिप कर लेंगे हम। स्लिप करके ये धागा हम आगे लेके आएंगे और यही से हम उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी रो हमको उल्टी बुननी है। हम सीधी साइड हैं, सीधी साइड से हमको ये पूरी रो उल्टी बुननी है। ये हमने उल्टी बुन ली। अब हम इसकी बैक साइड आ गए हैं। ये सीधी साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड से भी हमको ये पूरी रो उल्टी ही बुननी है। ये मैंने सारे फंदे उल्टे निकाल लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम इसकी असली शेप बनाएंगे। मैं बताती हूँ हमको कैसे करना है। एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए 15 फंदे हमको उल्टे निकालने हैं। टोटल ये 50 फंदे हैं। 15 फंदे हम उल्टे निकालेंगे और बीच 20 फंदों का हमको 10 करना है। 2 फंदों का हम 1 कर देंगे और बचे 15 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए, ये मैं पहले 15 फंदों को उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले 15 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद अब बचे हुए 20 फंदे, ये 20 फंदे हमें इनको 10 करना है। यानी 2 फंदों को हमको एक साथ बुनना है। 2 फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए, हम 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे। ये 2 फंदे मैंने लिए हैं। ये 2 फंदे हैं। धागा आगे से लेके ये हम उतार देंगे। ये 2 फंदों का एक हो गया। ये हमारा 16वां फंदा था। ये 2 फंदे हमने 2 का एक कर लिया है। ये 3रा फंदा। चार, ये 5, एक 2, 3, 4, 5, ये 6,
हिसाब ये आठ ये नौ और ये लास्ट दस। ये दस फंदे हो गए हमारे, ये हमने 20 फंदों का 10 कर लिया है। अब बचे आखिरी के 15 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, 15 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, उसके बाद 20 फंदों का हम 10 कर लेंगे और आखिरी के बचे 15 फंदों को हम दोबारा उल्टा बुन लेंगे और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बैक साइड आ जाते हैं। ये हम इसकी बैक साइड आ गए। बैक साइड से हमको क्या करना है, ये पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। अब ये 40 फंदे रह गए हैं हमारे, अब हमें इनको उल्टा बुनना है। एक धागा स्लिप करके धागा आगे लेके आएंगे और ये पूरी रो को हम उल्टा बुन देंगे। ये हमारी रोंग साइड है, इस पूरी रो को हम उल्टा बुन देंगे। अब हम अपनी फ्रंट साइड पे आ गए हैं, हमने उस रो को पूरा उल्टा बुन लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको 18 फंदे आगे से छोड़ने हैं, मतलब उल्टे बुनने हैं, और बीच के 4 फंदों का 2 बनाना है। एक फंदा हम उतार लेते हैं, धागा आगे लेके आएंगे। पहले 18 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। ये 18 फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 18 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब बचे ये 4 फंदे, इन 4 फंदों को हमने 2 का 1 करना है। देखिए 2 का मैं 1 कर लेती हूँ, ये 1 और ये 2। ये 4 फंदों का हमने 2 कर लिया। उसके बाद बचे हुए 18 फंदों को हमने सारों को उल्टा ही बुनना है। ये सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है, अब हम बैक साइड आ गए हैं। अब हमें कोई भी घर नहीं घटाना है, अब हमें सिंपल इसको उल्टा ही बुनना है। एक धागा स्लिप करके धागा आगे लेके आएंगे। अब ये पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। अब हमें ऊपर तक ये 9 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, हमें ऊपर तक ऐसे ही उल्टा बुनते हुए। ये बॉर्डर से ऊपर 9 सिलाइयाँ आएंगी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। टोटल हमें 9 सिलाइयाँ निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, गिन लीजिए आप। ये 9 भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे वाइंड ऑफ करना है। ये 2 फंदे ले गए हम और इसका ये 1 कर लेंगे और इस फंदे को वापस हम सिलाई पे लेके आएंगे। देखिए इसे हम सिलाई पे लेके आएंगे और ये फिर से 2 लेंगे। अब इस फंदे को दोबारा सिलाई पे लाएंगे। ऐसे करते हुए हमको ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है और ये हमारी बूटीज वाइंड ऑफ हो जाएंगी। अब धागे को थोड़ा टाइट पकड़ के रखें, ये वाइंड ऑफ अच्छे से हो जाएंगे फिर, नहीं तो ये थोड़ा ढीला ढीला रह जाएगा। अब इसको वापस सिलाई पे लाके ऐसे ही करते हुए पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बहुत ही सिंपल वे से हम ये बूटीज तैयार कर रहे हैं। अब मैंने इनको ये वाइंड ऑफ कर लिया है कंप्लीट। ये आखिरी में धागा बचेगा ऐसे। आपको ये जो ऊन जो आपने यूज़ की है इसको इसमें से निकाल देना है। देखिए ऐसे, और हमें थोड़ी सी ऊन रख के इसकी सिलाई करनी है। हमें ये पूरा किनारी से कट नहीं करना है, ये इतनी हम रख लेंगे।
बाकी हम कट कर देंगे। ये इतना पीस मैंने रखा है। अब हम इसको उल्टी करेंगे, ये बैक साइड है इसकी, बैक साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए सुई से, ये इसकी बैक साइड है। मैं सुई में डाल लेती हूँ उनको। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसका ये एरिया सिलना है। बड़े ही ध्यान से सिलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये वाला पोर्शन बहुत ही ध्यान से सीलना है। हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये सुई से, वरना इसकी शेप सही से नहीं आएगी। आपको ये ऐसे सुई निकालनी है इसमें से, इसके गोलाई में ही हमको बुनना है। इसे धागा निकाल के इधर से इसको हम एक साथ खींच देंगे। देखिए ये मैंने चारों तरफ से निकाल दिया इसके, और ये इधर से मैंने धागा खींच लिया। देखिए फिर इसकी शेप गोलाई में आ जाएगी आगे से, और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए ये हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको कट कर देंगे, और ये वाला धागा भी हम कट कर देंगे। अब मैं इनको सीधी करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर बेबी बूटीज बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर। इसमें हम चेन डाल देंगे। अब चेन डाल सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चेन डाली है क्रोशिए से बना के, छोटी सी। इधर से ही आप सुई से सीधा निकाल सकते हैं इसको, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं इसमें बीट्स डालूंगी। ये सुई से मैंने ये एक तीन मोती हम ऐसे ही डाल लेंगे। ये तीन मोती मैंने डाल लिए हैं, और ये सुई हम इनके अंदर से निकाल देंगे। ये हो गया है। हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही तीन बिट्स डाल के इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी बहुत ही सुंदर बेबी बूटी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।